विमल जी, मनीष जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नई फिल्म के लिए। आप लोगों को भी हमारे और मणि की तरफ से नमस्ते प्रणाम। पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि आपने हम लोग के बारे में इतना अच्छा बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया कि इतना दुआ, इतना हाँ सही बात है। मेरा भी सौभाग्य है कि मनीष जी के साथ में काम कर रहा हूँ। मनु जी काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं और मेरे पास सुबह से कई लोगों के फ़ोन आए हैं, बहुत सारे मैसेजेज आए हैं कि बधाई मिली है कि पहली बार आप कोई ऐसी एक्ट्रेस साथ फिल्म कर रहे हैं जिसमें आप लोग का पेयर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे दर्शक, हमारे श्रोता और ईश्वर की कृपा है। विमल जी, ये लग्न पत्रिका जी बहुत प्यारा टाइटल है और हमें लगता है भोजपुरी में फर्स्ट टाइम छोटा टाइटल का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे लंबे लंबे आते हैं, नाम आते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्या है लग्न पत्रिका? एक्चुअली मैं बता दूं, देखिए ये डिपेंड करता है डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पे। डायरेक्टर आप जितने क्रिएटिव होंगे उतने अच्छे टाइटल्स होंगे, उतने अच्छे। तो आनंद जी ने मुझे बताया कि विमल जी एक फिल्म हम कर रहे हैं और उस फिल्म का टाइटल लग्न पत्रिका है। तो मैंने, तो आप जानते हैं कि मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुका हूँ, तो हम लोग जो फिल्में खरीदते थे तो पहला मस्ट होता था भाई फिल्म का टाइटल क्या है। तो टाइटल मस्ट, टाइटल यदि पसंद आया तो देन हम आगे फिल्म करें। तो टाइटल बहुत अच्छा है और लग्न पत्रिका है। जो हमारे वहाँ शादियाँ होती हैं तो लग्न मिलाया जाता है, कुंडली मिलाया जाता है। तो कुछ कंडीशन ऐसा ही है कि हम लोग की शादियाँ जो इस सिनेमा में हुई है उसमें कुंडली आपस में मिली नहीं है। तो ये सार है और टाइटल इन्होंने वहीं से लिया है। मुझे लग रहा है कि हमारे जितने श्रोता हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने लोग देखने वाले हैं, उनको टाइटल बहुत प्यारा लगेगा और इससे अच्छी हमारी कहानी है। और मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ मनी जी के साथ काम करने के लिए। और आनंद जी, जब मुझे बताया कि इस फिल्म में आप अपोजिट हीरोइन, मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला कि यदि मनी जी का डेट रहेगा तो हम मनी के साथ ही काम करेंगे, भले हमें एक महीना बात करना पड़े। क्योंकि इसमें जो हम करेक्टर डिसाइड किए हैं वो मनी जी के ऊपर बड़ी परफेक्ट बैठता है और आपके साथ उनका कम्बिनेशन मुझे ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आनंद जी को कि एक मैसेज से हमारी बात हुई, मैसेंजर से, हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से कॉल पे, उन्होंने मुझे आज कास्ट किया और मैं काम कर रहा हूँ। लगन पत्रिका मिल गई, लगन पत्रिका मिल गई। और मनी जी को भी थैंक यू कि शायद इनसे भी पूछे होंगे आनंद जी कि भाई आपके अपोजिट विमल जी हैं, तो जब मुझे इनका नाम है मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। मनी जी के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक आप अदर स्टेट की रहने वाली हैं, बंगाल से बिलोंग करती हैं और बंगाली होने के बाद आपने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को, यदि आपने आज तक शायद 30 से ऊपर हो गया ना, 30 फिल्में, तीन साल में 28 फिल्में किया आपने, तो एक इंडस्ट्री को एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छा पहचान दिया। और मुझे लग रहा है कि ऐसी अभिनेत्रियाँ यदि इंडस्ट्री में आ रही हैं और अपने भोजपुरी को बढ़ा रही हैं तो इसके लिए धन्यवाद मनी जी को देना चाहिए हम लोगों को, चूँकि हम लोग भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं। आनंद जी, तो थैंक यू सो मच मनी जी कि आप हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना काम कर रही हैं। हम दोनों किसी और से भी मिलाना चाहते हैं। जयराम, इस मूवी के डायरेक्टर आनंद जी, आनंद जी कुछ बोलेंगे आप सबको इस मूवी को लेके? देखिए फिल्म, हम फिल्म का टाइटल तो बता दिया होगा इन लोगों ने, लगन पत्रिका। फुल फैमिली ड्रामा का आज चलन है और हमेशा से भोजपुरी सिनेमा, पहले की जो देख लीजिए, गंगा मैया पियरी चढ़ी बे, चाहे जो भी फिल्में मोहन जी प्रसाद जी बनाए, पहले की फिल्में दंगल बनी थी, सब हमारा भोजपुरी परिवेश से और फैमिली ड्रामा ही फिल्में थे लगभग। अच्छा, फैमिली ड्रामा हमारे यहाँ से भी पसंद किए जाते हैं कभी भी, चाहे टीवी की इंडस्ट्री में हो, चाहे फिल्म की इंडस्ट्री में हो। जैसे राशि प्रोडक्शन, मैं फ़ैन हूँ उस प्रोडक्शन हाउस का, जिन्होंने विवाह, हम साथ साथ हैं, इस टाइप की फिल्में उन्होंने दिया। तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा फैमिली ड्रामा ही बनाए हम लोग कि सब बैठ के देख सके पूरा परिवार। देखिए लगन पत्रिका हमारे यहाँ शादी के पहले, जो एक तरह से शादी विवाह की कुंडली है, ये शादी से पहले की वर वधु की कुंडली है। आनंद जी, इसके पहले आपने आपकी फिल्में कौन कौन सी? शुभ विवाह SRK म्यूजिक से थी, बबली की बारात, मुख्तार, प्रेम रंग, गोरी है कलाइयाँ, अभी एक फिल्म और आ रही है। तो निर्देशन के क्षेत्र में आपने भोजपुरी को जो अपना योगदान दे रहे हैं, अभी क्या है आपकी भविष्य की क्या है? नहीं, भोजपुरी को मैं नहीं योगदान दे रहा हूँ, भोजपुरी ने मुझे अपना लिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भोजपुरी के साथ न्याय कर सकूं, भोजपुरी सिनेमा के साथ। जी, आपने मुझे पूछा है आते ही कि इसकी कास्टिंग में कैसे आपको और मनीष जी को रखा गया जी, तो ये आनंद जी ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, कि मुझे, मैं जब स्टोरी फाइनल हो रही थी हम लोग की, तो ऐसे ही मैं बता दूँ, एक गाना देख रहा था। अच्छा। एक बी प्राक, बहुत बड़े सिंगर, उनका एक गाना था वो, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, तो मुझे अक्सर मैं देखता रहता हूँ गाने वगैरह। तो एक मुझे जो हीरोइन का करेक्टर दिखा, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में हीरोइन आई। ओके। कि मेरी हीरोइन थोड़ा सा हट के हो, लीक से हट के हो। फिर मैं सोचा उसके सामने जो फेस हो वो बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारा हो, तो क्यूट तो इधर थोड़ा फोकस कर दीजिए इनको।
लेकिन आजकल वो दाढ़ी रख ले थोड़ा चॉकलेटी। नहीं नहीं वो डायरेक्टर के लिए, हाँ डायरेक्टर की दाढ़ी। तो क्यूट फेस हो, तो क्यूट फेस में इनका हंसता हुआ चेहरा। फिर मैंने थोड़ा सा इमेजिन किया कि अच्छा अंबानी जी और ये दोनों कैसे लगेंगे, तो मुझे अभी भी पूरा सिनेमा दिख रहा है कि दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। पूरी फिल्म में, फिल्म बनी नहीं है अभी, अभी तो बननी है, लेकिन बड़ी अच्छी, आप लोग को नहीं लग रहा बड़ी अच्छी जोड़ी है? लाल लाल किसी ने, किसी ने तो ये तक पूछ लिया कि हीरो का नाम लगन है क्या और हीरोइन का नाम पत्रिका तो हमने कहा नहीं ना, बड़े आदमी ने पूछा था मुझसे, इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर जो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या तेरे हीरो का नाम लगन है और हीरोइन का नाम पत्रिका? हम कि नहीं नहीं कुछ और है।